स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर से। करोड़ों की ठगी करने वाले दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा हासिल करते थे। डेटा हासिल करते करोड़ों की ठगी करते थे और डेटा बेचने वाले दो लोगों को दिल्ली से पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है। शिल्पा पर 25,000 रुपये का इनाम था, साथ ही सुलेमान को भी गिरफ्तार किया गया है और शिल्पा के मोबाइल से 6,000 लोगों का डेटा मिला है। सुलेमान से क्रेडिट कार्ड का प्रिंटेड डाटा बरामद किया गया है। 1,000 कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का प्रिंटेड डाटा बरामद किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों की ठगी करने वाले दो लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा हासिल करते थे, फिर ये लोग ठगी करते थे। अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं ये लोग। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे लखनऊ संवाददाता शिवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, यूपीएसटीएफ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि क्रेडिट कार्ड का डाटा इकट्ठा करके करोड़ों रुपए का ये लोग ठगी करते थे। बिल्कुल दिनेंद्र, एसबीआई कार्ड और पेमेंट लिमिटेड की तरफ से यूपीएसटीएफ को एक शिकायत पत्र मिला था। उस शिकायत पत्र में कहा गया था कि उनके जो बैंकिंग पर्पसेस से जुड़े जो लोग हैं, उनके साथ जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो किसी गैंग द्वारा निकाली जा रही है। और एसटीएफ उसी काम में लगी हुई थी और कल उनको दिन में सफलता हाथ लगी है कि दिल्ली के रहने वाले दो बंटी बबली को, यानी कि शिल्पी जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था और सुलेमान, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई हजार जो डेटा है वो बरामद किया गया और तकरीबन 1,000 कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का जो प्रिंटेड डाटा है वो सुलेमान के पास से बरामद किया गया है। ये दोनों लोग कहा जाएगा कि बहुत ही शातिराना तरीके से ऑनलाइन क्रेडिटेशन के जरिए ये लोग लोगों की रकम निकालते थे और लोगों की रकम निकालने के बाद वो अपना मोबाइल या यूं कहा जाएगा जो अपनी आईडी थी उसको ये लोग खत्म कर देते ताकि की ट्रैकिंग ना हो पाए। लखनऊ के साथ साथ कई अन्य जिलों में इनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे और कल दोपहर को ही यूपीएसटीएफ को सफलता हाथ लगी कि शिल्पी और सुलेमान की गिरफ्तारी की है। जो गैंग से जुड़े कई और लोग हैं, यूपीएसटीएफ उनकी भी तलाश कर रही है। ये माना जा रहा है कि जो ऑनलाइन जो ठगी होती है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, वो यही गैंग नोएडा और दिल्ली में बैठ करके अंजाम दे रहा था। अब इनके जो शेष साथी है उनकी गिरफ्तारी करना बाकी है, लेकिन ये दो जो गिरफ्तारियां हुई है इनसे पूछताछ में बहुत सारे एक सुराग जो है वो देखने को मिलेंगे कि किन किन लोगों से कितने रुपए की ठगी की गई है और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल है। की जाए तो इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया, कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड करके घोटाला किया है, लगभग कितने लोग इनके शिकार हुए हैं? देखिए, एसटीएफ के अधिकारियों ने यह बताया कि इन दोनों लोगों से जो पूछताछ हुई है उसमें तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोग जो पीड़ित है वो इस इनकी ठगी का शिकार हुए और तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो लोग निकाल चुके हैं और अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो उन रकम को वापस हासिल करना और बैंक अकाउंट से रिकवरी करना और इनके साथियों को ढूंढना यूपीएसटीएफ के लिए थोड़ी बहुत चुनौती होगी, लेकिन पुलिस कस्टडी रिमांड जब दोबारा यूपीएसटीएफ के अफसर इनसे लेंगे तो जरूर इस बात का खुलासा होगा। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।